एमपी किरण खेर ते व्यापारी विचाली खड़की जी। हाँ, एमपी किरण खेर ने व्यापारी खिलाफ शिकायत दी है। व्यापारी चैतनिया ते 420 दा परचा दर्ज होया ते किरण खेर ने करोड़ों रुपए वापस ना करन दे ते इल्जाम लगाए ने। मणिमाजरा दे रहण वाले चैतनिया ने अग्रवाल ने ते हाई कोर्ट ने व्यापारी चैतनिया नूं सुरक्षा दिती है, सिक्योरिटी दिती है, जान तो खतरा दस्सिया सी। चैतनिया ने किरण खेर तो खुद नूं खतरा दस्सिया सी ते करोड़ों रुपए ना वापस करन ते सांसद खेर ने बिजनेसमैन चतन अग्रवाल खिलाफ एसएसपी नूं शिकायत दिती है ते इस शिकायत मुताबक अगस्त 2023 विच चतन अग्रवाल उन्हां नूं मिलन आया ते कहा कि वे ओह जो है कई स्कीम विच पैसे इन्वेस्ट करे ते उन्होंने आरटीजीएस राही अग्रवाल नूं 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए ते अग्रवाल ने उन्होंने ये भरोसा दिता सी कि वह एक महीने 18% ब्याज के नाल सारी रकम वापस करेगा। शिकायत विच ये भी लिखा गया कि चतन अग्रवाल लोगों नाल धोखाधड़ी करता है, वह लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करन दे नाते लैंदा है पर अपने परसनल यूज विच लगाउंदा है। उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है ते ये भी पता लग गया कि पैसे लैण तो बाद वह दुबई भज गया सी ते उसका फोन भी बंद आ रहा सी। किसी भी तरह उस नाल फोन ते जो संपर्क होया तो उसने दसिया दिसंबर तो पहला वो वापस आ जाएगा, पहले हफ्ते विच वापस आ जाएगा दिसंबर दे ते उना दे पैसे वापस कर देगा पर पैसे नहीं वापस किए, जबकि एग्रीमेंट कर रखे जो शिकायत दे नाल लग्या होया। बार बार कहने के बावजूद 2 करोड़ रुपए वापस किए, उसने जो 7,44,00,000 रुपए का चैक दिता सी वो बाउंस हो गया तो फोन भी बंद आ रहा है ते जो बाकी बची रकम है वो वापस की जाए ये इस शिकायत विच लिखा गया है। ते 8 करोड़ विच हुण तक 8 करोड़ चों 2 करोड़ ही वापस किए गए ने। हाई कोर्ट ने व्यापारी चैतनिया नूं सिक्योरिटी दिती हुई है। सांसद किरण खेर ने एसएसपी यूटी कमरदीप कौर नूं बिजनेसमैन चैतनिया अग्रवाल खिलाफ करोड़ों रुपए वापस ना करन ते ते उन्हां नाल धोखाधड़ी करन दी लिखित शिकायत दिती है। शिकायत विच लिखा गया चैतनिया दे खिलाफ पुलिस आईपीसी दी धारा 420 ते 406 तहत केस दर्ज करे। इस तों पहलां एनएसी मणिमाजरा दे चैतनिया अग्रवाल ने पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच चंडीगढ़ दी भाजपा सांसद किरण खेर ते उन्हां दे पीए सहदेव सलारिया से जान नू खतरा दस्या सी ते सुरक्षा दी पटीशन पाई सी ते सुरक्षा दित्ती भी गई है।